कामरान, मैं तुम्हारे भाई को समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर उन्होंने एक ही रट लगा रखी है, उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए बस। मैंने इनकार कब किया है आपा? तो वैसे भी आपके जितने पैसे थे लौटा तो चुका हूँ मैं, बस 1 लाख रुपए रह गए। तो ये 1 लाख भी वापस कर दो ना, क्यों इतने से पैसों के लिए मुझे अपने भाई साहब से रोजाना जलील करवा रहे हो तुम? अरे मैं अपनी पूरी कोशिश में लगा तो हुआ हूँ, वैसे भी कारोबार के हालात सही नहीं है, अगर दुकान मेरी अच्छी चल रही होती तो कब के वापस कर चुका होता मैं। भाई मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी दुकान में फायदा हो या नुकसान ये मेरा मसला नहीं है, मुझे मेरे मियाँ के पैसे वापस चाहिए बस। क्यों परेशान हो रही हैं आप? भागे थोड़ी जा रहे हैं आपके पैसे लेकर, कामरान आपके सगे भाई हैं, देर सवेर तो हो ही जाती है। देर सवेर नहीं, बहुत देर हो गई है, 6 महीने का वादा किया था तुम लोगों ने, यहाँ पूरा साल होने को आ गया है। मैं जानती हूँ तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते, कामरान मेरा छोटा भाई है, मगर तुम लोगों को भी एहसास होना चाहिए ना, अगले इंसान की भी तो मजबूरियाँ होती हैं। इसी बात को लेकर रोजाना मेरे घर में झगड़ा होता है तुम्हारे भाई साहब से। अच्छा ठीक है, आप अपने घर का माहौल खराब नहीं करें, आप चाय पिए, ठंडी हो रही है, मैं देखता हूँ। बाजी आप अकेले आई हैं, बच्चों को भी साथ ही ले आती? अरे बच्चों के तो एग्जाम चल रहे हैं, अगली बार आऊंगी तो ले आऊंगी अपने साथ। और आपकी सास की तबीयत कैसी है? उनका तो कुछ भी ना पूछो, कुछ भी नहीं पता चलता तबीयत का, अचानक रात बिरात खराब हो जाती है, रात रात लेके अस्पताल जाना पड़ता है, क्या बताऊं तुम्हें। तुम लोग भी चक्कर लगाओ ना किसी दिन मेरे घर। रहने दे आपा, जब भी आपके घर आओ तो भाई साहब का मुंह बना रहता है, हर वक्त पैसों का तकाजा लेकर बैठ जाते हैं, शर्मिंदगी होती है मुझे। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि जितना जल्द हो सके उनके पैसे वापस कर दो, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। इंसान को उधार लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, अगर वक्त पर पैसे वापस कर दोगे ना इंसान की इज्जत रह जाती है। मुझे देर होगी, मैं चलती हूँ। क्या सामान आ गया है, क्या सोच रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम शौकत भाई से बात करो ना, उरूज की शादी में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, 1 लाख तो उधार दे ही देंगे तुम्हें। अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर की शादी है, उल्टा कुछ देने के बजाय हम उनसे मांग रहे हैं। मैं बात कर लूँ शायद सबाजी से, मुझे पता है मना कर देंगे, वैसे भी उनकी बेटी की शादी है, ज्यादा जरूरत होगी उन्हें।